सर ये स्क्रीन शेयर होगी सर। सर स्क्रीन शेयर हो रही है सर। अभी आपकी वो जी जी फाइनल स्क्रीन है, स्क्रीन इसको दोबारा शेयर है, आप स्टार्टिंग व्यू पे आ जाएं। ये दोबारा स्क्रीन शेयर करके इसको ट्रेडिंग व्यू पे लेके जाएं गूगल क्रोम पे। सर वैसे ये मैं कैट जीपीटी खोला हुआ है सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। अगर आपने जो स्क्रीन शेयर किया है ना, आपने की है अपने लैपटॉप नहीं की, डेस्कटॉप की। अब आप दोबारा स्क्रीन शेयर पे जाएं, ठीक है, स्क्रीन शेयर करके अपने गूगल क्रोम की विंडो शेयर करें, ठीक है जी सर, अब वही सर होगी। जी। अब आ गई है, अब 4R को जूम आउट करें। वॉल्यूम का जो है ना इंडिकेटर, इसको खत्म कर दें फॉर द टाइम बीइंग, मैं सर कर रहा हूँ सर। इसको हाइड कर लें या जी सर हो गया सर। जी। मार्केट दिखाएं कहाँ से शुरू हो रही है। चलें, ये आप ये जो लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना, यहाँ से, यहाँ जहाँ आपका कर्सर है अभी, यहाँ से मैपिंग जी करें, सर ठीक है। बाकी स्टूडेंट जी जरा सर सुनते हैं और मैं आता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। किसी का कोई क्वेश्चन हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो किसी एक के पास कॉपी पेंसिल हो तो नोट डाउन कर लेना, तो फिर सलाम अलैकुम भाईजान, क्या हाल है? सारे ठीक है माशाल्लाह। जी। वालेकुम जी सलाम ब्रदर। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम सर। यहाँ से हमारा जो ट्रेंड है ना वो सर बुलिश स्टार्ट हो रहा है। इसका ये हाई है, ये वाला ठीक अब एक वर्टिकल लाइन वहां पे है ड्रैग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट का पता चल जाएगा। सर, मैं वर्टिकल कर देता हूँ। ठीक वर्टिकल है लाइन ये ड्रा करके ना वो मैपिंग करें। बगैर बोले हुए। जी नहीं बोल भी सकते हैं लेकिन साथ मैपिंग करें ना, मैपिंग करेंगे वो पता सर चल जाएगा क्या है क्या। ठीक हो गया। इस हाईएस्ट के हिसाब से हमारी जो इंड्यूसमेंट है वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। 1 मिनट, लेकिन मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली और मार्केट चली गई ऊपर। इस पॉइंट के हिसाब से हमारी इंड्यूसमेंट अब इधर चली गई है सर, और मार्केट ने फिर इंड्यूसमेंट नहीं ली और एक न्यू हाई बना दिया है। और इसके बाद अब हमारी फिर इंड्यूसमेंट नहीं ली भाई मार्केट। रेफरेंस जी पॉइंट को ना वो मार्क कर देंगे इस रेफरेंस पॉइंट से। हाँ यार, पहले हमारा ये वाला रेफरेंस पॉइंट था जिधर मेरा कर्सर है, और इसकी इंड्यूसमेंट थी इधर। मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली नहीं, और मार्केट ने मैं ये वो आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन आप रेफरेंस पॉइंट को मार्क कर देना ताकि एक बकायदा स्ट्रक्चर मैपिंग हो जाए कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ कहाँ था, इंड्यूसमेंट कहाँ कहाँ से शिफ्ट हुई। अच्छा जरा मुझे ये बताएं, शायद ये आप जो कह रहे हैं कि इस हाई की इंड्यूसमेंट पीछे है, जरा उस इंड्यूसमेंट पे कर्सर लेके जाएं जरा। सर इस रेफरेंस के हिसाब से सर। हाँ जी, अभी आप बता रहे थे ना ये इंड्यूसमेंट पड़ी है इसकी, जी सर। इसमें जो रेड हाईएस्ट कैंडल है ये ग्रीन हाईएस्ट है, सर रेड इस हाईएस्ट साइड कैंडल है सर। मिडिल वाली जो है दिखाएं जी सर रेड हाईएस्ट कैंडल है सर। जरा, कंट्रोल सर एक मिनट जेड रुकिए। करना। सर ये इसमें रेड हाईएस्ट कैंडल है सर, और इसने रेड का जो लो ब्रेक किया सर इसने। किस कैंडल है उस कैंडल पे जरा लेके जाएं कर्सर। मुझे सर ये उसके आगे वाली जो ग्रीन कैंडल है। लो उसका नजर, ये जो ये वाली जो कैंडल है, एक सेकंड जरा होल्ड करें, स्क्रीन ही मूव करनी है अभी। इस वाले रेफरेंस पॉइंट की आप कह रहे हैं ये इंड्यूसमेंट है, ऐसा ही है। जी सर। इसमें मैं पूछ रहा हूँ ये रेड हाईएस्ट कैंडल है या ग्रीन हाईएस्ट कैंडल। सर रेड हाईएस्ट कैंडल है। अच्छा, इस पे कर्सर लेके जाएं जरा रेड कैंडल पे, जो मिडिल कैंडल है। हाँ जी, इसके जी एच सर की वैल्यू है 95.259, साथ करें जी सर 247, ठीक है, तकरीबन नियरली 1 इंच है, लेकिन चलें कोई इशू नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट मूव करें। उसके बाद सर मार्केट ने सर ये न्यू हाई बना दिया सर। सर इधर वो मैं लगा दूं या नहीं लगाऊं सर? ये कह रहे रेफरेंस पॉइंट लगा दें सर। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट वैसे अपने माइंड में रखने के लिए होता है, उसको मार्क करना जरूरी जी होता है। सर हमने ये देखना है किस हाई की इंड्यूसमेंट फाइंड कर रहे हैं, अगर जी आप वो सर मार्क इस करेंगे ना तो मार्केट इस पे बहुत ज्यादा वो ना मतलब रफ सा हो जाएगा।
जी सर, सर इस जिधर मेरा कर्सर है ना सर, इसके हिसाब से हमारी इंड्यूसमेंट बनती है सर, ये वाली जिधर मैंने ये इंड्यूसमेंट लिखा है सर। ठीक है, तो और मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली सर, पर मार्केट ने ये हाई रिपोर्ट बना दी, ये ठीक हाई बना दिया सर, उसके बाद ये हमारी इंड्यूसमेंट है, मार्केट ने फिर इंड्यूसमेंट नहीं ली और एक न्यू हाई बना दिया सर। अब इसके हिसाब से सर हमारी इंड्यूसमेंट सर, ये पीछे एक कैंडल है और इसका लो इसने ब्रेक किया सर, ये एक हाई स्प्रेड, ये बहुत बिग कैंडल है सर, और इसके हिसाब से ये हाईएस्ट कैंडल है सर, और इस हाईएस्ट कैंडल का ये लो इसने ब्रेक किया सर। इधर एक ये है कि हम वेरी नेक्स्ट कैंडल को मार्क कर सकते हैं सर, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है सर, इस रेफरेंस के हिसाब से तो ये फिर हाईएस्ट कैंडल है सर, और इसने इसके जो सेकंड वाली रेफरेंस के साथ वाली कैंडल है उसने इसका लो ब्रेक किया है, तो ये नीचे सर मार्केट जो है। सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। चलें अगर इस इंड्यूसमेंट के नीचे, वैसे तो हम जी इस सर, इंड्यूसमेंट को लेंगे नहीं, लेकिन चलें अगर आप ले भी लेते हैं तो इस पे जो जो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है ना, ठीक है, जी वो सर, आपने बताना है। स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ करेक्टर, स्विंग बेस्ड चेंज ऑफ करेक्टर, जो आपने सारी चीजें पढ़ी हैं, कहाँ क्या हुआ, वो सारे ये स्टूडेंट क्वेश्चन करें। मैं अभी देख रहा हूँ, फिर मैं पूछता हूँ। जी ठीक ठीक हो गया सर। सर इस हाई, फिर इस हाई के हिसाब से ये नीचे भी क्लोज हो गई है, सॉरी इसके हिसाब से नीचे क्लोज नहीं हुई, ये हमारा हो गया जी सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप, क्योंकि इसने क्लोज करने से पहले एक नया हाई बना दिया है। भैया, इसमें जो नीचे वाली वो इंड्यूसमेंट नहीं कंसीडर की जाएगी, ये वाली? ये वाली कैसे की जाएगी, ये देखे ना, ये एक बड़ी कैंडल है और ये इसके अंदर है, तो इसके बाद हमारे नहीं, हमारे हमारे हम ये हाईएस्ट इसने कैंडल इसने हम ये जी बोल, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया ना, इसका तो ये तो लो अब ब्रेक इनसाइड नहीं ना रही यार। जी इनसाइड नहीं रही, लेकिन हमने तो जब हमने बुलिश की करनी है तो हमने हाईएस्ट कैंडल का लो जिसने ब्रेक किया हो तो उसने, इसका तो लो ब्रेक ही नहीं हुआ अभी। नहीं, इसके हिसाब से ये हाईएस्ट कैंडल है ना, ये देखें मैं, ये जी इसके हिसाब से ये है, लेकिन हम इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से कर रहे हैं, तो इस हाईएस्ट कैंडल ने इसका हाई भी तो ब्रेक किया ना, तो अब हमारी हाईएस्ट कैंडल ये होगी, इस हाईएस्ट कैंडल के हिसाब से ये हमारी हाईएस्ट कैंडल है अब, सही है। तो इस हाईएस्ट कैंडल का लो जो वेरी नेक्स्ट कैंडल इसके साथ वाली ग्रीन कैंडल है उसने ब्रेक किया, तो जो कैंडल हमारी हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक करेगी वो हमारी इंड्यूसमेंट होगी। ठीक हो, तो ऊपर ये नीचे इंड्यूसमेंट, नीचे भी स्वीप है और ऊपर भी स्वीप है, दोनों तरफ मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, जस्ट स्वीप किया है। लेकिन अगर हम इसके हिसाब से अब देखते हैं, अब हमारा हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है और इसके हिसाब से हमारी इंड्यूसमेंट अब जिधर शायद मैं जिधर से मार, एक चीज पूछी थी, यहाँ पे जो स्वीप बेस चोच हुआ है तो वो सक्सेस क्यों सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? मार्केट फिर ऊपर ही चली गई, थोड़ी सी नीचे आई फिर ऊपर ही चली गई। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये ट्रेंड बुलिश नहीं है, तो जब बुलिश ट्रेंड होता है तो उसमें मार्केट हमेशा जो है वो अपने जिस तरफ का ट्रेंड होता है उसको ज्यादातर तरजीह देती है, कि उसी तरफ उसने मूव करना होता है। ठीक है, तो अब ये इस हाईएस्ट पॉइंट के हिसाब से जिधर मार्केट ने स्वीप किया तो वो हमारी इंड्यूसमेंट होगी। और जब कैंडल ऊपर स्वीप करती है, कैंडल क्लोज होती है ना, स्वीप नहीं होता तब जाकर वो स्वीप बेस चार्ट बनता है ना। सॉरी, समझ नहीं लगी आपकी बात की। जी मैं जो भी क्वेश्चन किया था ना, मैं उसका आंसर दे दी थी। जी ठीक है, शकील वापस अभी बोलना। जी, आप कुछ कह रहे थे, बोलना वापस। मैं कह रही थी ना कि जिस तरफ का ट्रेंड होता है ना उधर से मार्क करते हैं, नीचे से लिक्विडिटी स्वीप हो और ऊपर से हम ट्रेंड को देखते हैं, और कैंडल बॉडी के साथ अगर मार्क हो जाती है ना, मतलब विक के साथ नहीं, तो तब जाके वो स्वीप बेस चार्ट बनता है ना, चेंज ऑफ करेक्टर तब होता है। नहीं, ये हुआ तो विक के साथ ही है ना, बॉडी के साथ तो नहीं हुआ। बॉडी जो है वो
ब्रिज साइड पे पहले बॉलिंग क्लोज हुई है ना, जी बेरिश साइड पे बुलिश हुई है, साइड पे, लेकिन ये इस जो वजह ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड बुलिश है। इस वजह से हमारी कोशिश होगी कि जो स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर है वो जो ट्रेंड की डायरेक्शन में होगा उसको हम ज्यादा फॉलो करेंगे। जी वही वही में सही रहता है। जी अच्छा, इसके हिसाब से ये हमारी इंड्यूसमेंट अब इधर शिफ्ट हो गई, ये नीचे भी क्लोज है और अब ये इधर स्वीप कर रहा है, उसके ऊपर वाली कैंडल पे ये क्लोज हो रहा है जी। इधर ये स्वीप हो रहा है, उसके ऊपर वाली कैंडल पे ये हो रहा है। अब ये हमारा वीक स्विंग लो होगा, क्योंकि इसने पीछे वाली जो कैंडल है उसकी लिक्विडिटी से, यानी कि सॉरी उसकी ये वीक से इसने एक हायर हाई हायर लो बनाया है। तो ये हमारे जो हायर हाई और हायर लो होगा ये वीक स्विंग होगा, वीक स्विंग हाई और वीक स्विंग लो होगा। एक बार वापस कहना। ये जो हमने इस रेफरेंस के हिसाब से ये जो हमारा स्विंग हाई है ये पीछे इसने इस पॉइंट से लिक्विडिटी लेके और ये एक नया स्विंग बनाया, तो ये हमारा वीक स्विंग होगा और ये हमारा वीक स्विंग लो होगा। तो ये जो हायर है आपने बनाया, क्या ये इंड्यूसमेंट अपनी नहीं लेगा? इंड्यूसमेंट तो इसने ले ली, इसकी ये इंड्यूसमेंट है जिधर मैंने ये देखे, ये रेफरेंस पॉइंट है जिधर से ये लाइन लगाई है, इसका इसकी इंड्यूसमेंट ये पड़ी हुई नीचे। अच्छा ओके ठीक है ओके इसने इधर कैंडल क्लोज कर दी और ऊपर भी इधर इसने स्वीप किया और उसके नेक्स्ट कैंडल वाली नेक्स्ट पे इसने क्लोज कर दिया है। तो ये जो हमारा अब होगा हायर हाई और हायर लो, ये हमारा होगा वीक तो ये हायर हाई भी वीक होगा। जी। दोनों चीजें हाई दोनों ही होंगी ना, ओके तो जरूरी है जब जब हायर हाई भी अगर जब सब कुछ जब वीक। जब हायर हाई जब हम बुलिश मार्किंग करते हैं ना, तो अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर वो फेक चेंज ऑफ करेक्टर होगा। जब हम बुलिश मार्किंग करते हैं तो हम देखते हैं कि मार्केट ने इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दी है वीक हायर लो के नीचे, तो वो तकरीबन मोस्टली वो होता है फेक होता है। ओके तो मार्केट वापस नीचे आएगी। नहीं, मार्केट अगर मार्केट नहीं नीचे आती तो हम आगे वाले पॉइंट की मार्किंग करेंगे। अगर उसके आगे, एक मिनट चलें उधर आगे चलते हैं ना, अब नहीं ये ये वीक हमारा पॉइंट जी आपने बोला ना, ये वीक पॉइंट से करके वीक स्विंग्स। वीक्स जी, वीक स्विंग का मतलब ये नहीं है कि मार्केट जरूर ही वापस आए। अगर मार्केट इधर वापस आती है तो फिर ये वो हम जो चेंज ऑफ करेक्टर होगा, क्योंकि हमने वो चेंज ऑफ करेक्टर में ये पढ़ी है कंडीशन कि अगर मार्केट इस लो के नीचे कैंडल क्लोज दे देती है तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर की इंडिकेशन हमें मिल गई है। तो लेकिन इन पॉइंट्स के अगर नीचे मार्केट जाती है तो फिर वो फेक चेंज ऑफ करेक्टर होता है, एक स्मार्ट मनी ट्रैप भी हो सकता है। लेकिन मार्केट तो इधर आई नहीं नीचे, तो उसके बाद हमारा ये हायर हाई है और उसकी इंड्यूसमेंट ये नीचे पड़ी, लेकिन मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली, ये मार्केट की इंड्यूसमेंट पड़ी है। मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली और मार्केट ने एक नया हाई ये वाला बना दिया। अब इस हाई के हिसाब से हमारी इंड्यूसमेंट ये वाला लेवल है और इसके बाद फिर मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली और इसके आगे ये हाई बना दिया है, ये वाला हाई। इस हाई के हिसाब से ये हमारी हाईएस्ट कैंडल है और इस हाईएस्ट कैंडल का ये नीचे लो ब्रेक हुआ हुआ है, तो इस इंड्यूसमेंट को हम उठा के इधर ले जाएंगे। ये हमारी अब इंड्यूसमेंट है इस रेफरेंस के हिसाब से, ये वाला रेफरेंस पॉइंट। तो अब इसके हिसाब से हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया है, इधर स्वीप किया है और इस इधर उसके बाद उसने नीचे क्लोज कर दिया है। तो अब हम ऊपर देखते हैं, मार्केट ने ऊपर भी क्लोज किया है, ये इस कैंडल पे स्वीप किया है और उसके आगे वाली कैंडल पे इसने क्लोज किया है। तो इधर भी वही कुछ हुआ है जो पीछे हुआ था, ये भी वीक स्विंग है क्योंकि इसने भी जो हायर हाई और हायर लो बना है ये भी स्वीपिंग कैंडल से बना है ये वाला, तो ये भी हमारा एक वीक स्विंग होगा वही वाला सेम। कौन से स्वीपिंग कैंडल से बनाया है? ये जो ऊपर वाली कैंडल है ये देखिए, ये देखिए, ये इसने इसको स्वीप किया है
तो ये अब जो हमारा हायर हाई और जो हमारा ये जो नीचे वाला इसका है, ये हायर लो है, ये भी जो है ना, ये एक वीक है। उसके बाद अब हम इस रेफरेंस के हिसाब से इसकी इंड्यूसमेंट, ये नीचे है, मार्केट ने नहीं ली इंड्यूसमेंट, उसके बाद मार्केट ने ये हाई बनाया है और इसकी इंड्यूसमेंट पड़ी है ये। इस रेफरेंस के हिसाब से ये मेरी हाईएस्ट कैंडल है और इसने इसका लो ब्रेक कर दिया। इस कैंडल की जरा डिटेल बताएं, जो हाईएस्ट कैंडल है। ये जो रेड वाली है, ये रेड वाली हाईएस्ट कैंडल है। ये देखें, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है 101.078 है, और जो उसके साथ वाली है उसका जो है वो 0.55 है। ये 7.8 है और ये 0.55 है, इसलिए ये रेड वाली हाईएस्ट कैंडल है। तो इसका लो जब ब्रेक होगा तो ये हमारी इंड्यूसमेंट होगी। अगर अगर हम एक और पॉइंट भी देखते हैं, अगर हम इस रेफरेंस के हिसाब से देखते हैं, तो इसमें हमारी जो है इसका ये वाली जो अगर कैंडल है ग्रीन वाली, इसका हाईएस्ट पॉइंट है 101.598 और इसका है 99। ये वाली भी हमारी इंड्यूसमेंट बनती है अगर हम इसके हिसाब से देखते हैं। लेकिन इधर तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट सॉरी ली नहीं, ये इंड्यूसमेंट है, मार्केट ने ऊपर हाई बना दिया, तो ये हमारी जो इंड्यूसमेंट है वो इस पॉइंट पे चली जाएगी, इस पॉइंट पे। इंड्यूसमेंट नहीं हो सकती मेरे ख्याल से, इनसाइड बाहर है शायद। नहीं सर, इनसाइड नहीं है। ये देखे ना, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ना, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है 598 है, और जो उसके आगे वाली है उसका 599 है, यानी कि एक पिप का फर्क है। फाइव ये नाइन ये फिर फाइव ये इतनी प्रोमिनेंट नहीं होगी मेरे ख्याल से, नीचे वाली ज्यादा बेहतर है। इसके बाद हमारी ये भी तो वैसे है, लेकिन उसके लिए सर ने बोला कि हमने पहली फर्स्ट इंड्यूसमेंट लेनी है मार्किंग के लिए। तो अगर ये भी लें तो फिर भी हमारा जो है ये हमारी दोनों इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट तो हमारी दोनों ही है ना, ये भी हमारी इंड्यूसमेंट है और ये भी हमारी इंड्यूसमेंट है, तो दोनों ही क्लोज हैं। हाँ, लेकिन मेजर वाली ज्यादा प्रोमिनेंट है मेरे ख्याल से, वो ज्यादा बेहतर रहेगी। जी अब देखते हैं कि ये ऊपर भी क्लोज है। अब ये जो हमारा जो हाई है ना, ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई है। अब ये हाई कैसे के स्ट्रांग बन गई? क्योंकि यहाँ कोई स्वीपिंग कैंडल ही नहीं है, जिसने पीछे वाली ली, ये देखे ना, ये जो अच्छा हमारा हाई है इसके पीछे देखे कोई कोई बार कोई वीक नजर आ रही है जिसने उसकी वो ली हो लिक्विडिटी? ओके तो ये हमारा जो हायर हाई है, ये हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है और ये हमारा हायर हाई भी है। तो ये जो वीक हायर हाई होगा, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा? होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, ये ब्रेक ऑफ अच्छा, स्ट्रक्चर भी है। जो जो स्विंग हाई और स्विंग लो होगा ना, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो ऑटोमेटिकली होगा। कोई भी स्विंग हाई और स्विंग लो जो होगा, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जरूर होगा। अब इसके हिसाब से ये हमारी इंड्यूसमेंट पड़ी है और मार्केट ऊपर चली गई है, ये अब हमारी इंड्यूसमेंट है इस रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है जी, मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली और मार्केट ने एक ये वाला नया हाई बना दिया, ये वाला, ये जो रेड कैंडल वाला। अब इसमें जो हमारी इंड्यूसमेंट पड़ी है, वो हमारी इंड्यूसमेंट है ब्रदर, रेड कैंडल होगी ना? इसमें इसके हिसाब से हमारी जो इंड्यूसमेंट है इसके हिसाब से ये हमारी हाईएस्ट कैंडल, और इस हाईएस्ट कैंडल का इस रेड कैंडल ने लो ब्रेक किया है, तो ये हमारी इंड्यूसमेंट होगी। और उसके बाद ये भी हमारी इंड्यूसमेंट होगी, लेकिन वो क्लोज नहीं है।
ये फर्स्ट कैंडल ने स्वीप किया और दूसरी वाली कैंडल ने ऊपर क्लोज किया। ये तो मुझे लगता कुछ भी नहीं क्या होगा ये भी वीक स्विंग नहीं होगी? वीक स्विंग आई नहीं ये होगी? जी, ये भी वीक स्विंग ही है। नहीं, लेकिन इसने ये अगर इसके हिसाब से देखे तो ये वीक स्विंग नहीं है, इसने तो ऊपर क्लोजिंग दे दिया ना। ये हमारी, ये देखिए ये क्लोज है तो, लेकिन ये और ये इसकी ये दो है, ये सारी तो इनसाइड बार्स हैं। वैसे इस हाई के अंदर ये सारी इनसाइड बार्स हैं, अच्छा लेकिन अगर हम इसको काउंट ही ना करें तो हम इधर चले जाएं। नहीं, मेरा ख्याल है इसकी जो इंड्यूसमेंट है ना वो नीचे है, इधर कह रहे हैं आप इस क्योंकि पॉइंट हाँ पे? जी इंड्यूसमेंट वैलिड पुल बैक होता है, ये वैलिड पुल बैक नहीं मुझे लग रहा, मेरे ख्याल से इसकी इंड्यूस हाँ इधर। हाँ ये देखे ना कैसे वैलिड पुल बैक तो है। अगर ये हमारी हाईएस्ट कैंडल है, इसके रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ये हाईएस्ट कैंडल है, तो ये जो है इतनी सारी 1 2 3 कैंडल इसके अंदर है, तो ये नीचे इसने इसका लो ब्रेक कर दिया ना, ये रेड कैंडल है। बिल्कुल यही है जो ग्रीन के साथ है ना, यही वैलिड हाँ पुल ये बैक ही है। हमारी, ये वैलिड पुल बैक है। तो ये हमारा हायर हाई और हायर लो एक ही कैंडल कैसे हो सकती है? अच्छा इस रेफरेंस के हिसाब से हमारी इंड्यूसमेंट पड़ी हुई है, ये मार्केट ने नीचे भी क्लोज नीचे भी स्वीप किया है, और मार्केट ने ऊपर पहले स्वीप किया है और फिर मार्केट ने ऊपर क्लोज कर दिया, तो ये हमारा खाली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। इसकी इंड्यूसमेंट कहाँ है जो भी आपने बताया? ये अब हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है और इसकी जो इंड्यूसमेंट है वो ये पड़ी हुई है। ये तो इनसाइड बार नहीं है सारी पीछे से? इस बार के हिसाब से लेकिन ये पीछे वाले रेड कैंडल के हिसाब से अगर आप देखें तो ये इस कैंडल ने इसका, लेकिन इसका तो कोई ब्रेक नहीं हुआ। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, इनके इस हिसाब से अगर देखें तो ये सारी इसके अंदर वाली इनसाइड बार्स हैं, इनकी ये इंड्यूसमेंट गलत है। तो फिर इसकी जो इंड्यूसमेंट होगी वो ये वाली इंड्यूसमेंट होगी, ये वाली किसकी इंड्यूसमेंट कह रहा है? यार इस रेफरेंस पॉइंट की। रेफरेंस पॉइंट मार्क कर देना तो फिर समझ आ जाएगी। जो आपने सबसे पहले मर्क ये किया रेड वो तो कैंडल ठीक होगी ना, था। ये रेड कैंडल, ये रेड बड़ी कैंडल। रेड बड़ी कैंडल कैसे हो सकती है? ये रेड कैंडल तो अभी सेफ है ना, इसका किसी ने हाई ब्रेक किया ना इसका किसी ने, ये हो सकती है। लेकिन इसका भी अगर ये वाली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया है तो इसका लो तो अभी प्रोटेक्टेड है। इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया है, इस कैंडल ने, ये जो इधर वाली कैंडल ये वाली, इस कैंडल ने इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया है तो इसका तो अभी लो प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इसके आगे वाली कैंडल अगर इसका को लो ब्रेक करती तो फिर वो हमारी इंड्यूसमेंट हो सकती थी। जो बड़ी अब रेड इसे कैंडल है जिसने सबको प्रोटेक्ट, क्योंकि हाई और लो सबको प्रोटेक्टेड है, तो उसका लो इंड्यूसमेंट होगा। मेरा भी यही ख्याल है, जब इंपल्स की फॉर्म में मूव करती है तो मेरा ख्याल है सर ने कहीं बताया था कि ये वही जो है ना लास्ट में उसकी इंड्यूसमेंट बनती है। तो हाँ, लेकिन ये सारी बड़ी रेड इनसाइड कैंडल बार है ना, हैं, नहीं उसकी इनसाइड जो लो बार है वो को, या इंड्यूसमेंट है। इनसाइड बार को अगर छोड़ दिया जाए ना, पीछे वाली ये जो बड़ी लेकिन कैंडल है इसका जो लो है ये बनेगा मेरा ख्याल इंड्यूसमेंट। इससे पीछे जो हमारी हाईएस्ट कैंडल है वो तो ये है ना, ये रेड कैंडल। नहीं मैं इसकी बात कर रही थी। जी, ये तो है इस हिसाब से, तो ये तो सारी इनसाइड बार्स हैं। तो फिर उसके बाद मार्केट ने ये हाई बनाया है, ओके तो इसकी इंड्यूसमेंट कौन सी है फिर? किसकी? इस हिसाब से ये सर पे छोड़ देते हैं, सर से पूछते हैं फिर। ठीक है।
और उसके बाद इस हाई के हिसाब से हमारी, लेकिन ये भी एक हाईएस्ट पॉइंट है। ये जो पीछे रेड कैंडल है ये ग्रीन कैंडल से हाई है ना, ये जो इनसाइड बार वाली कैंडल है। इस कैंडल की बात कर रहे हैं आप? हाँ ये ग्रीन वाली कैंडल जो इसके साथ है इससे हाई है, तो जी, इससे हाई है, ग्रीन कैंडल नीचे है। फिर रेफरेंस पॉइंट जो पिछला था वो यही रेड कैंडल होगी ना। हाँ जी, तो रेड कैंडल ही, हम रेड कैंडल के हिसाब से हमने किया है। हाँ तो फिर ये इंड्यूसमेंट नहीं हो सकती रेड कैंडल, इसको मेरे ख्याल से सारे पे छोड़ देते हैं, आगे फिर निकलते हैं। नहीं, ये देखे ना, इस हाई की इंड्यूसमेंट ये पड़ी हुई, और लेकिन मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली और मार्केट ने ये वाला हाई बना दिया। इसकी इंड्यूसमेंट ये पड़ी हुई, लेकिन मार्केट ने फिर ये हाई बना दिया, ये ग्रीन कैंडल। ये देखे ना, ये ग्रीन इससे ऊपर है। इस हाई के हिसाब से ये ये भी बोला इंड्यूसमेंट, था उसका हाई भी बड़ा हो और लो भी, तो वो एक इंड्यूसमेंट बन जाती है। नहीं वो सर ने बोला था कि जो अगर हम मार्केट एक इंपल्स की शक्ल में मूव करे तो हम उसको हायर हाई और हायर लो नहीं बोलेंगे। उसके ये जो इंड्यूसमेंट तो एक्ट बोल है सकते ना, जी, उसके लो को एक्ट एज, इंड्यूसमेंट के एक्ट तौर पे एज, मेरा हाँ ख्याल है जी ले एक्ट सकते हैं। एज, हाँ जी एक्ट एज इंड्यूसमेंट बोल सकते हैं। चलें, इसको इधर सर्कल कर देना तो आगे चलते हैं फिर। ये इन्वेस्टमेंट वैसे भी लिया तो नहीं है ना, बस आप क्लियर जी 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 करें। अब उसके बाद ये इतना सा डिफरेंस है, ये और हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला, तो इसकी इंड्यूसमेंट ये वाली है। इसके हिसाब से इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ये इंड्यूसमेंट, क्योंकि ये इसकी हाईएस्ट कैंडल है और इसकी हाईएस्ट कैंडल तब फिर लो ब्रेक हुआ, तो ये हमारी इंड्यूसमेंट है, और ये ऊपर भी क्लोज है और ये नीचे भी क्लोज है, तो ये भी हमारा वीक स्विंग ही होगा, क्योंकि इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है। ये कहने के लिए हम वीक स्विंग हाई वीक स्विंग लो बोलते रहते हैं, पर लाइक मार्केट तो फुल बुलिश है, लाइक नहीं इसका कैसे है? मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट इनको ब्रेक करती है तो वो एक स्मार्ट मनी की ट्रैप हो सकती है। देखें बेसिकली क्या होता है, जब हम वीक स्विंग और वीक स्विंग लो निकालते हैं ना, जैसे अभी हम कहते हैं ये वीक स्विंग लो है, अगर मार्केट यहाँ जाती है, ये कैंडल बॉडी क्लोज है ये वाली, मार्केट फौरी तौर पे नीचे आती है उसी वक्त ही और आगे इसको ब्रेक कर देती है, तो हमें पता होगा कि क्योंकि ये वीक हाई है तो हमने यहाँ सेल की एंट्री फाइंड नहीं करनी। ठीक है, ये नहीं कि हम यहाँ कहीं सेल की एंट्री फाइंड करना शुरू कर दें, क्योंकि ये वीक लो रही है। फिर हम क्या करेंगे उसके बाद, फिर दो चेक है हमारे पास, हम दोबारा वेट करेंगे कि मार्केट इस हाई के ऊपर दोबारा क्लोज करे यहाँ पे, जिस हाई से वापस आई है, या तो ये करे। लेकिन अगर वीक हाई ब्रेक हो गया है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दोबारा इंड्यूसमेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर इंड्यूसमेंट प्री ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जिसे हम कहते हैं डबल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसका वेट करेंगे। ठीक है, तो उससे हमें कंफर्म होगा कि ये जो वीक हाई है अब इसने ट्रेंड चेंज कर दिया है। लेकिन जब तक ये वीक हाई है, ये सिर्फ एक किस्म का अलार्म होता है कि अगर फर्स्ट टाइम मार्केट सीधी नीचे आ जाती है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हमने इसको ट्रेंड चेंज नहीं समझना, हमने इसका वेट करना है, डबल कंफर्मेशन लेनी है। दूसरा, अगर ये वीक, जिस तरह ये एक वीक लोअर हाई है, उसके बाद मार्केट फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं, चले मैं ये इंड्यूसमेंट बना देता हूँ, यहाँ कहीं मार्केट दोबारा एक स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई और स्ट्रॉन्ग स्विंग लो देती है, तो फिर हमारा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर वाला पॉइंट, तो फिर हमें इसकी टेंशन नहीं रहेगी। ये सिर्फ इसलिए मार करते हैं कि मार्केट फौरी तौर पर नीचे आके इसको ब्रेक ना कर दे, इसलिए हम इस रूल को अपने माइंड में रखते हैं। ठीक है, जी सर। और सर, एक चलिए। पीछे वाला भी क्वेश्चन था, वो भी अगर आप सॉल्व करते, जी जी पूछे ये जो इंड्यूसमेंट का था, किधर इंड्यूसमेंट शाह साहब आप बताइए सर। सर, ये सर इस रेफरेंस के हिसाब से सर हमारी इंड्यूसमेंट
क्योंकि इस कैंडल ने सर, ये रेड वाली जो कैंडल है, इसने सारी कैंडल्स को सर अपने अंदर किया होगा ना, हाँ जी, ऐसा ही है, सही इनसाइड बार। तो इसकी सर है। इंड्यूसमेंट फिर ये रेड कैंडल ही होगी। नहीं, इसकी ये वाली इंड्यूसमेंट है, ये वाला लो। ये रेड का नीचे वाला सर। हाँ जी, ये वाला पॉइंट। जी सर, ठीक हो गया सर। मेरे माइंड में भी यही था सर, लेकिन अगर आप इसकी फिर भी लॉजिक एक दफा बता दें। इसकी लॉजिक देखिए सिंपल है। इस हाई की लेफ्ट साइड पे ये वाहक कैंडल है, जो इस ये वाली वाहक कैंडल है जी जिसने जी सर, मेरा कर इस कैंडल का हाई और लो हाई ब्रेक किया है। अब इसका जी हाई और सर लो प्रोटेक्टेड है, ये सारी कैंडल्स इनसाइड बाहर हैं, यहाँ तक जी। ये वाली भी, ये वाली ग्रीन भी। अब ये फर्स्ट कैंडल है जिसने दोबारा अपना हाई बनाया। अगर इसका ये वाली कैंडल लो ब्रेक कर देती, ये वाली, ये नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, तो फिर ये हमारी इंड्यूसमेंट हो सकती थी, सर ठीक है। या फिर ऐसा होता, ये वाली कैंडल हाईएस्ट हो जाती, दरमियान में ये कैंडल हाई बना देती। अगर ये हाई बनाती तो फिर हमारी इंड्यूसमेंट यहाँ आ जानी थी, जी सर क्योंकि बिल्कुल जब तक ये कैंडल इनगल्फ करके रखी है सब कैंडल को, तो बाकी सब कैंडल हमारे लिए जीरो है। जीरो से मुराद है इंड्यूसमेंट हम वहां फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है सर ठीक, चलें आगे जी सर। प्रोसीड तो करें। लेकिन इसके सर लिए अगर सर ये, फिर जी जी पूछें, इंड्यूसमेंट देन इसकी इंड्यूसमेंट कौन सी होगी फिर? वही जो सबसे बड़ी कैंडल, उसका लो। सर जो सबसे बड़ी कैंडल है वो तो पिछली इंड्यूसमेंट का रेफरेंस पॉइंट भी है ना। नहीं सर, रेफरेंस पॉइंट सर ये ग्रीन वाली कैंडल है। सर इस रेफरेंस को, इस रेफरेंस के हिसाब से सर मैंने ना ये वाली जो रेड कैंडल है ये भी इसकी इंड्यूसमेंट है, और ये नीचे वाली भी इसकी इंड्यूसमेंट है सर। हाँ जी, ये भी इंड्यूसमेंट है, लेकिन हमने किसको लेना है, जो इस वाली कैंडल के रेफरेंस से लो हो। लेकिन खैर, ये तो वैसे भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है ना। ये वाली सर कैंडल इसकी हमने वैसे नहीं बात लेनी, क्योंकि ये बिल्कुल इसके रेफरेंस पॉइंट से ऊपर ऊपर है। हमने इस लोएस्ट कैंडल के नीचे इंड्यूसमेंट फाइंड करनी है। ऐसी जो ग्लिंचिज होती है ना, जिस तरह के ऐसे ऐसे छोटे छोटे नुकते, ये बहुत कम होते हैं मार्केट में, लेकिन जहां हो ना समझ आए तो इसका बहुत इजी हल होता है। या उसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट कर लें, या मार्केट को दोबारा मौका दें कि वो नीचे से कोई फ्रेश इंड्यूसमेंट लेके आए, ठीक है। यानी मार्केट, अगर हमें यहाँ नहीं समझ आ रही है इंड्यूसमेंट है या नहीं, तो मार्केट को जाने दें, मौका दें। मार्केट जब नया हाई बना दे तो उसके अकॉर्डिंगली नई इंड्यूसमेंट फाइंड करें, उसका वेट करें। नहीं लेती, फिर एक नया हाई बनाए, उसके अकॉर्डिंगली नई इंड्यूसमेंट फाइंड करें, ठीक है। तो फिर खैर, ये तो इंड्यूसमेंट नहीं है, मतलब यहाँ कहीं अगर हो तो, ठीक है ना। तो जहाँ कॉम्प्लेक्स होता है उसके आगे नए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट कर लिया करें। सर, इन दोनों ये जो ग्रीन वाली और रेड वाली दोनों हाईएस्ट हैं सर, इसमें से फिर रेड वाली भी ले सकते हैं सर हमारे रेफरेंस के हिसाब से, या हमारे जिस जो हमारा पहले वाला रेफरेंस पॉइंट होगा जो उसके हाई को ब्रेक करेगी, सिर्फ वही हमारा हाईएस्ट पॉइंट होगा, उसी को रेफरेंस लेना है सॉरी, सर जी। ये रेड कैंडल हमने पहले रेड कैंडल के हाईएस्ट इसको रेफरेंस पॉइंट लिया था सर, ये रेड कैंडल को, ठीक है जी, तो इसकी इंड्यूसमेंट सर ये नीचे पड़ी हुई, ठीक है। लेकिन मार्केट ने एडजस्टमेंट नहीं ली और उसके ऊपर ऊपर ले, ठीक इस रेप उस ऊपर सर इसको बॉडी क्लोज कर दी ग्रीन वाली। अब है, हमारा ये रेफरेंस पॉइंट होगा या रेड वाला रेफरेंस पॉइंट होगा रेड सर? वाला होगा ना, रेड वाला होगा। वो जो कैंडल बॉडी क्लोजिंग रूल होता है ना, वो इंड्यूसमेंट के बाद देखते हैं। फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा राइट साइड पे करें करें अब ये देखें, छोड़े। अब क्योंकि यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है इस पॉइंट पे, इसके बाद जैसे ही नया हाई लगेगा, चाहे वीक से लगे, डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ कैंडल बॉडी क्लोज हो चुकी है। फिर वीक से भी लगेगा तो हमारा नया हाई है, वीक से भी लगेगा तो नया हाई है, वीक से अगेन लगेगा तो नया हाई है। क्यों? यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। इन केस अगर ऐसा होता कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना होता, मार्केट ऐसे स्वीप किया है, ऐसे इसने इसको स्वीप जी किया है, इसने इसके ऊपर क्लोज दिया, फिर हम इसके बाद इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं। लेकिन ये तो पहले ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो चुका है इस पॉइंट पे, ठीक है। इसके सर बाद हर लगने वाला हाई, उसकी हम इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे। जी सर सर अब हम ये ग्रीन को सर रेफरेंस पॉइंट समझ अपना रेफरेंस पॉइंट लेंगे रेड सर। रेड ही होगा ना, रेड होगा। सर लेकिन ये इस रेड के हिसाब से सर ये इधर क्लोजिंग हो गई है सर, तो ये उससे ऊपर है, उसके बाद फिर ग्रीन कलर है, यानी कि अब ये वाला ग्रीन वाला रेड वाला लेंगे सर। जी
सर अगर ये आगे यहाँ तक सर हम देख रहे हैं, ये आगे वाली कैंडल्स नहीं है, यानी कि अभी ये ग्रीन रेड कैंडल अभी बनी नहीं है, तो फिर सर हमारा रेफरेंस पॉइंट तो ये ग्रीन बनता है ना सर, फिर ग्रीन बनेगा। तो फिर उस हिसाब से हमारी इंड्यूसमेंट इसके साथ अभी वाली यही अच्छा कैंडल होगी। देखें, एक होता है कि आप लाइव मार्केट में हैं, अभी आपके सामने जो चार्ट है ना, हम इस डाटे को यूज कर रहे हैं, उसके मुताबिक अभी हमारा रेड हाई है, ठीक है। जी ठीक अगर है करंट मार्केट होती तो हम ग्रीन को देखते, ग्रीन के बाद जब नया हाई लगता है तो फिर डेफिनेटली हम नए हाई की पहले इंड्यूसमेंट मार करते। सर, अगर ये हम रेड के हिसाब से सर इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं, तो फिर सर ये रेड ने तो ऊपर सर ये वो कर दिया ना सर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है। हाँ जी, ये वाली इंड्यूसमेंट आप कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा दो चीज़ें होती हैं, ये हमने एक वेबिनार में पढ़ा था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब मार्केट इस तरह दो पुल बैक बनाती है, एक ये इनिशियल इंड्यूसमेंट, एक ये वाली, जिस तरह एक ये इंड्यूसमेंट पड़ी है और एक ये पड़ी है, अगर मार्केट सिर्फ जी इस इंड्यूसमेंट को लेती ना, सिर्फ इस वाली इंड्यूसमेंट को, ये रेड कैंडल, तो मैं इसको इतना ऑथेंटिक ना समझता, लेकिन इसने डबल इंड्यूसमेंट लिया ये वाली भी। लेकिन फिर भी मैं जी आपसे सर वही कहूंगा, जब इस तरह का मैस क्रिएट हो ना, इस तरह का मैस क्रिएट हो, तो आप बेहतर है नए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का वेट कर लें। वैसे भी ऐसे सिनेरियो में ट्रेड कम मिलती है, जिस तरह मार्केट इतना कंसोलिडेट करती है ना, तो कम इसके अंदर जी को बंदा ट्रेड करता है, हम ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करते हैं। ठीक लेकिन हो गया सर, यहाँ ठीक है कैसे ट्रेड लेनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसका इशू नहीं, कि क्यों ली गई यहाँ, कैसे ली गई, वो भी हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अच्छा अभी आप ना बिल्कुल लास्ट पे आए, जरा रीसेट कर दे इसको, इसको रीसेट करें जरा, ये नीचे रिफ्रेश के बटन पे प्रेस करें नीचे। हाँ जी, ये आ ओके गई okay. मार्केट, अब इसको जूम आउट करें, थोड़ा सा जूम आउट करें। सर और करो अब मुझे बताएं करंट मार्केट का H4 का स्विंग हाई और स्विंग लो किधर है, और M15 का स्विंग हाई और स्विंग लो किधर है। यहाँ से यहाँ तक देख लें, H4 का और M15 का मोस्ट रिसेंट स्विंग हाई स्विंग लो, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ M15 का नहीं हुआ, H4 का हुआ नहीं हुआ, क्या बना कैसे बना, ये जरा फाइंड करें। सर, पहले हम यानी कि H4 का करेंगे सर, ठीक H4 का जी, सर इस रेफरेंस के हिसाब से ये मेरी इंड्यूसमेंट पड़ी है सर, क्योंकि ये हाईएस्ट कैंडल है और इसने लो ब्रेक नहीं हुआ, और ये सर इसकी इंड्यूसमेंट है सर। चलें ठीक है। सॉरी सर, ये ऊपर भी सर क्लोज है, तो ये सर मेरा हायर हाई है और इसके जो नीचे है वो मेरा सर हायर लो है। मैं कर देता हूँ सर, ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया सर, और ये सर हायर हाई हो गया सर, और ये सर इसमें जो लोएस्ट पॉइंट है वो हायर लो हो गया सर। ठीक है, ठीक है, आगे चलें, स्विंग हाई स्विंग लो निकला है आगे, अब सर 15 मिनट पे चले जाएं सर, बस एक ही स्विंग हाई स्विंग लो बना, इसे आगे दोबारा मार्केट ने स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बनाया, देख के बता दें जरा। जी सर देखते हैं सर। इस हाई के हिसाब से सर ये मेरी इंड्यूसमेंट पड़ी है सर नीचे, वैसे तो सर इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया, ये हाईएस्ट कैंडल है। इसके बाद सर ये रेड कलर जो है, नहीं ये भी इंड्यूसमेंट सर नहीं है, नहीं भी मार्केट ऊपर चली गई सर, और इसकी इंड्यूसमेंट सर ये पड़ी सर।
और इधर भी एक क्वेश्चन था सर, सर जी पूछें। ये सॉरी सर, मार्केट ने तो नीचे क्लोज ही नहीं किया, मार्केट तो ऊपर चली गई, इंड्यूसमेंट तो ली ही नहीं सर मार्केट ने। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, चले अभी सर नहीं उसके ली, उसके बाद बाद मार्केट ऊपर चलेगी फिर ये नेक्स्ट। ऊपर चली गई सर, ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया सर, यानी कि इसकी ये इंड्यूसमेंट है और मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिए बगैर ये हाई बना दिया सर। चलो ये हाई बना दिया, जो इंड्यूसमेंट लिया वो मार कर दें, फिर आगे रिएक्शन देखें मार्केट का। जी सर, इसके हिसाब से हमारी इंड्यूसमेंट सर बनती है ये वाला लो सर, लेकिन सर उसके बाद मार्केट क्लोज ही नहीं हुई सर, नीचे ऊपर क्लोज ही नहीं हुई सर। चलें क्लोज नहीं हुई तो आगे इसका मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी मार्केट का ट्रेंड बुलिश है बेरिश है H4 पे M15 पे, तो सर जरा ठीक अब हम ऐसे करेंगे सर, ये इधर मार्किंग इंड्यूसमेंट ले लिए सर, अब हम सर है। इधर से मार्किंग करेंगे सर, 15 मिनट में चले जाएंगे सर हम। ठीक है सर, अब ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, पहले सर ये हमारा लोएस्ट पॉइंट था और इसकी ये इंड्यूसमेंट थी, मार्किंग इंड्यूसमेंट जी, थोड़ा क्विक करें। ठीक सर, ये मार्केट ने ऊपर इंड्यूसमेंट स्वीप की सर, और सर ये इसके नीचे मार्केट ने सर क्लोजिंग दे दी। ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया सर। है, तो उसके बाद सर ये इस वो जो रन आपने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था रेड लाइन, वो इंड्यूसमेंट वैलिड है? जरा मुझे वो रेड लाइन, ये ब्लू लाइन जरा साइड पे करें। हाँ ये इंड्यूसमेंट वैलिड है जो आपने मार्क किया? अच्छा, नो सर, बाकी सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, किसी ने नोट ही नहीं किया? किस क्योंकि किस ने सर नोट किया? ये जी, नहीं सर, क्योंकि ये इसकी रेड वाली लोएस्ट कैंडल है और इसका हाई प्रोटेक्टेड है सर, मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली और सर मार्केट नीचे आ गई सर। उसके बाद सर ये इसकी वाली ये वाली जो कैंडल है ये इंड्यूसमेंट है, और फिर मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली और मार्केट सर फिर इसने ये लोएस्ट बना दिया। इस लो के हिसाब से सर हमारी इंड्यूसमेंट सर, ये इंड्यूसमेंट बनती है सर मार्केट। सर लेकिन इसके आगे वाली जो कैंडल है जी, सर, देखिए आप ये इतना जो सोच रहे हैं मार्किंग में, मार्किंग ने सिंपल चार्ट को थोड़ा स्क्वीज करें, इतना सोचेंगे तो आप तो स्ट्रक्चर मैपिंग पे रह जाएंगे सब लोग। अभी शाही सबसे ज्यादा शार्प बंदा है, शाहद हो गया, फाहद हो गया, असरुल आगे, चंद एक लोग तो बड़े शार्प हैं। इतना आप सोचेंगे तो फिर तो हम स्ट्रक्चर मैपिंग के रह जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज भी करें ऊपर से नीचे, ये देखें बस। ठीक है, चलिए यही रोक लें। अब सिंपल मार्केट ने क्या किया, ये लो बनाया, इसने इंड्यूसमेंट नहीं ली, मार्केट नीचे आ गई, मार्केट ने ये लो बनाया, चलिए ये मेजर इंड्यूसमेंट ली, फर्स्ट टाइम स्वीप, देन क्लोज, क्लोज के बाद नीचे मार्केट आई, यहाँ कहीं कैंडल बॉडी क्लोज हो गई, अब ये मेरा प्रोटेक्टेड लोअर हाई बन गया काउंटर ट्रेंड। ठीक है, जी सर, उसको और मार्केट ने ये फिर सर लो, सॉरी, ये लोअर लो बन गया ना सर।
हाँ जी, ये बन गया लोअर लो काउंटर ट्रेंड। उसके बाद मार्केट नीचे गई, फिर नीचे जाती जा रही है। अब मार्केट ने ये लो बनाया, इस लो ने कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली, इसको उधर आगे कर दें, ठीक है। अब मार्केट ने ये वाला पॉइंट लो बनाया इस, ठीक है, इस लो ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ली, ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज, मार्केट नीचे चलेगी, ये आपका बन गया दोबारा लोअर हाई, ठीक है। अब ये बन गया आपका जी वीक लोअर हाई, क्योंकि ये स्वीपिंग पॉइंट थे। अब ये आपका लोअर हाई बन गया, उसके बाद नेक्स्ट चेन है। सर, ये जो लोअर हाई बना है ये सर स्वीपी, इसने इससे स्वीप किया सर। इसने इसको स्वीप किया काउंटर ट्रेंड इन दो लो में, इसके बाद प्राइस ऊपर गई इंड्यूसमेंट लेने, ये इंड्यूसमेंट ली, ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज है, ठीक है। उसको हम आगे इम्पल्स की फॉर्म में नीचे आई है। अब थोड़ा जी सा सर, इसको आगे करें, मूव करें, चार्ट दिखाएं इधर आगे, इसको थोड़ा स्क्वीज करें। सर ये हमारा अब लोअर हाँ, ये लोअर अभी ये लोअर हाई भी है, ये एज अ इंड्यूसमेंट भी एक्ट करेगा, जी मार्केट सर, आएगी ठीक इसको है ब्रेक कर देगी, क्यों, क्योंकि ये इंपल्स की फॉर्म में नीचे गया है। आप जरा इसको स्क्वीज करके देखें, डेजे राइट साइड पे। हाँ जी सर। जी, आप देखें, अब मार्केट ने क्या किया, अच्छा ये इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को टेकआउट किया है। अब इसके नीचे वापस गई तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इसके ऊपर जाती रही तो फिर बुलिश। अब ये चीज हमें कौन बताएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा इसको और स्क्वीज करें। चलें, कैट जेपीवाई M15 है, मैं 1 सेकंड इसका यहाँ से चार्ट शेयर करता हूँ, बल्कि आप ही कर लेंगे कि स्क्रीन शेयरिंग अभी आपके पास है, फिर आप उसको स्टॉप करें, चार्ट को जरा ऊपर से नीचे प्रेस करें, ठीक है। अब इसको जरा दोनों को दरमियान में स्क्वीज करें, अच्छा सर ये फुल हुआ हुआ नहीं ठीक है, फुल है, अच्छा देखें, आपने क्या करना है, ये वाला लो देखें और ये वाला लो, क्या इन दोनों ने आपस में स्वीप किया है, मेरे ख्याल से लग रहा है कि एक दो पिप से स्वीप किया है। देखिए मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट नीचे आ गई, नीचे आके इस लो को मेरा ख्याल है उसने एक दो पिप से स्वीप किया है। सर, इस पे मैं वो लगा दूं सर, वो लाइन पता चल जाएगा बस। हाँ, लाइनल ऐसा करें, आप ना कर्सर लेके आए इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल पे कर्सर लेके आए। हाँ जी, इसकी एल की वैल्यू है यहाँ, अच्छा कर्सर इसी लेके कैंडल, आए इस कैंडल, यहाँ कर्सर लेके आए ना, नीचे थोड़ा सा कॉर्नर पे नीचे लेके आए। हाँ जी, इसकी कितनी है वैल्यू, ये मूव करेंगे तो वो किसी और कैंडल की लो की वैल्यू बता देगा, ये आई सर ये वन तकरीबन, जीरो एट लो 108.312 सर। इसको चेक करें अभी इस लो की वैल्यू। सर ये ऊपर है सर थोड़ा सा, अच्छा चलें, सपोज कर, अब इसको स्क्वीज कर राइट साइड पे कर लें, ठीक है, इंड्यूसमेंट ही मार्केट राइट साइड पे करें, वैसे यहाँ एक ब्रोकर पे स्वीप स्वीप था, बरहाल वांडा प्लिंग, राइट साइड पे करें अब इसके बाद चार्ट, ठीक है। अब मार्केट दोबारा ऊपर गई, क्योंकि वो जो लो था ना वो इंड्यूसमेंट था, अब हमारा जो लोअर लो था वो किधर चला, शिफ्ट हो गया। सर हमारा लोअर लो भी उधर ही है चले, आप ना जिधर ये। स्क्रीन को जरा बंद करें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं आपको करके दिखा, ठीक है। हाँ सर वैसे इसी पॉइंट की तकरीबन समझ नहीं लगी थी, ये जो 15 मिनट वाला ये मल्टी टाइम फ्रेम वाला था ना सर। सर जी, आज मैंने सर वैसे वो किया था AUD USD का ना सर, वन डे का करके पहले, फिर मैंने 2 आवर पे सर किया थी, लेकिन मुझे चले, ये मार्केट नजर का आ रहा है ना समझ नहीं सबको, आया। जी सर आ रहा है अब M15 पे शिफ्ट हो गए, अच्छा M15 पे हमने क्या किया, पहले H4 का जो है ना लोअर हाई लगा लें, जो मेजर लोअर पॉइंट है H4 का, H4 का जो मेजर लो है पहला इधर है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने दोबारा इंड्यूसमेंट ली है, बहुत मोटी मोटी अगर इंड्यूसमेंट मार्क करूँ तो ये वाली। अब क्या है, हमारा ये लोअर हाई है इस पॉइंट पे, अब ये मेरी रेंज डिफाइन होगी, अब मैंने इसके अंदर अंदर ट्रेड करना है, क्यों, मार्केट ने इंड्यूसमेंट, सॉरी, क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट के अंदर कैंडल बॉडी क्लोज कर दी है, ये वाला, ठीक है। अब मेरी रेंज डिफाइन होगी, जी सर।
अब जब मार्किट इसके नीचे आ गई, अब मैंने क्या करना है, M15 पे इसका मार्किंग करनी है। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये लोअर हाई लगा रहने देता हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है। इसके ऊपर ऊपर हम बुलिश हैं, अब M15 पे शिफ्ट होते हैं। अच्छा जी, M15 पे मैं गया तो मार्किन ने बिल्कुल स्टार्ट से लेके आते हैं इसको। अब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है जो कि हमने रेंज डिफाइन की है, ये हाई और दूसरा ये वाला लो, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर प्ले करेंगे। अब सिंपल मैं इसको जूम आउट करता हूँ। जूम आउट करने के बाद हम इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। अब सबसे पहला ये हमारा लोअर हाई है, ठीक है, ये नजर आ रहा है, ये समझाऊं जूम करके, ठीक है ना। ये लो था, इसने यहां से इंड्यूसमेंट ली, ये कैंडल बॉडी क्लोज है इस पॉइंट पे, ये देखें इस पॉइंट पे, ठीक है। ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली है इस साइड से, इंड्यूसमेंट ली ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज, उसके बाद नीचे कैंडल बॉडी क्लोज, यहां नहीं यहां आके अब ये मेरा क्या बन गया, लोअर हाई। चले मैं इसको PDH कह देता हूँ, ये वैसे तो चले लोअर हाई बन गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ही नीचे आई, अब ये मेरा लोअर हाई यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। लेकिन क्योंकि मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद इम्पल्स की फॉर्म में आई है, तो ये एक्ट एज एन इंड्यूसमेंट होगा, ये इंड्यूसमेंट होगा और मेरा काउंटर ट्रेंड का प्रोटेक्टेड लोअर हाई यहाँ तक है। ये बात आपको समझ आई है कि नहीं? हैंड रेज कर दें, ये बात सिंपल सबको समझ आई है कि नहीं आई? यस सर। नहीं सर, सर ये हमारा प्रोटेक्टेड, ये ऊपर वाला सर। ये तो हमारा मेजर स्विंग लो ना, ये मैंने क्यों नहीं मार किया एज अ लोअर हाई? ये तो एक्ट एज इंड्यूसमेंट काम कर रहा है ना सर। हाँ जी, इसीलिए सर ये जो ये वाला जो उसके ऊपर वाला हमारा M15 का लोअर आई है सर, सर ये भी तो स्वीपी कैंडल से बना है, तो सर ये हमारा वो वीक होगा सर स्विंग, कौन सा, ये ये वाला? ऊपर वाला जी। अच्छा, अभी ये स्वीप कैसे है? हाँ, ये इसने स्लाइड स्वीप तो नहीं, नीचे कैंडल बॉडी क्लोज है हल्की सी, अगर आप देखेंगे ना तो ये क्लोज है। जी ये हमारा होना था वीक स्विंग हाई अगर इसमें कोई पुल बैक होता, लेकिन अभी ये इंड्यूसमेंट है। अब हमने दोबारा मार्केट का सॉरी अभी हम दोबारा मार्केट का रिएक्शन देखें, तो मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने वो इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट का रिएक्शन देखना कि ऊपर आती है नीचे जाती है, ठीक है। ना ये देखें अब मार्केट ने क्या किया, यहां तक आ गई है इस लो तक, ये देखें। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने नीचे स्वीप कर दिया है, ये स्वीप है या क्लोज है ये हम जूम करके देख लेते हैं। चले ये क्लोज है M15 पे। अब ये क्या हो गया, अब ये वाला पॉइंट क्या बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जी सर। M15 का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और अब ये मेरा लोअर हाई यहां से यहां पे शिफ्ट हो गया। अब क्योंकि ये लोअर हाई है, ये साथ क्या कर रही है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बना ये इंजीनियर लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि तीनों हाई तकरीबन रिलेटिव हाई है, तकरीबन इक्वल साइड पे है। लेकिन अब हम मार्केट का दोबारा रिएक्शन देखेंगे। मार्केट नीचे आई, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे दोबारा इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये देखें। अब इसको बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेक किया उसने, ये देख रहे हैं, अब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो गया इसका। अब हमें क्या चाहिए, अगर ये लोअर हाई है और ब्रेकआउट हो गया, अब हमें सिंपल दोबारा क्या चाहिए M15 के लिए, हमने यहाँ अपनी इंड्यूसमेंट मार्क करनी है और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फाइंड करना है। सपोज कर लें ये इंड्यूसमेंट है, ये जो अंदर छोटी सी नजर आ रही है आपको, लेकिन आप देखें इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ऊपर नहीं गई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने, देख रहे हैं सब लोग। जी सर। सर अच्छा, अब जब इंड्यूसमेंट नहीं थी, अब हम सर इधर हाई के हिसाब से मार्किंग करेंगे ना सर। अभी तो पहले देखें ना ट्रेंड हमारा M15 का बेरिश है, अगर ये लोअर हाई था, इसने इंजीनियर लिफ्टी ब्रेक की है, सॉरी क्रिएट की है, मार्केट उसके ऊपर तो गई है, लेकिन इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया ऊपर, तो ये क्या हो गया, सर ये फेक हो गया फेक सर चेंज ये। ऑफ कैरेक्टर। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता,
किसी भी पॉइंट पे इस लेवल को ब्रेक करने से पहले पहले तो हमारा चेंज ऑफ ट्रेंड, लेकिन मार्केट ऊपर गई दोबारा नीचे आ गई। अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो लोअर हाई इंजीनियर निफ्टी क्रिएट करता है वो मोस्टली फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर कॉज करता है, जी सर, तो ये आप लोगों ने जी इसकी एग्जांपल देख ली आज लाइव। ठीक है, चलें सपोज ये फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर था, उसके बाद अब मेरा जो लोअर हाई है वो यहां से यहां पे आ गया, सही है। बिल्कुल सर, दीजिए। अब ये मेरा लोअर क्रिटिकल लेवल मेरा यहाँ पे आ गया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ली, ऊपर गई और नीचे आके यहाँ क्लोज दिया। अब हम यहाँ देखेंगे इस सेगमेंट में कि मार्केट क्या कर रही है, नीचे क्लोजिंग है या नहीं है। वैसे तो बाजार लग रही है, लेकिन हम जूम करके देख लेते हैं। हाँ जी, ये देखें जूम है, मतलब नीचे कैंडल बॉडी क्लोज है। अब जब नीचे क्लोज है, ऊपर भी क्लोज है, तो अब मेरा ये वाला जो पॉइंट है ये स्विंग हायर लो, लोअर हाई सॉरी। अब देखिए अब मार्केट कहाँ घूम रही है इस रेंज के अंदर। ठीक है, M15 का ये हाई है और ये वाली रेंज मेरी डिफाइन हो चुकी है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ले ली है, यहाँ इंड्यूसमेंट ले ली मार्केट ने इस पॉइंट पे, तो ये लोअर हाई है। अब इसके नीचे नीचे हम बेरिश हैं, इस लेवल के नीचे नीचे, और इस लेवल का हम वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किधर है, ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये आपका M15 का लोअर हाई है। पॉइंट समझ आ गया सबको? मल्टी ये कंसेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है सर। जी टाइम फ्रेम वाला, अच्छा सर, बिल्कुल मल्टी टाइम फ्रेम का, चलें कोई मसला नहीं, इसको फिर हम किसी लेक्चर में स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत कोई सर। समझ आई है कि जी ट्रेंड सर, अगर। जी सर। सर एक जी इधर सब समझ आ क्वेश्चन, गई सर। सर एक क्वेश्चन इधर ये था सर कि हम जैसे बड़े टाइम फ्रेम को मार्किंग करते हैं सर, इसको भी हम सेम एज वैसे ही मार्क कर सकते हैं सर? सॉरी, सर जी, जैसे हम 4 आवर टाइम फ्रेम की मार्किंग कर रहे हैं, इसको भी वैसे ही सर मार्किंग करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे? हाँ जी, हाँ जी, सेम सेम मेथड है, सेम मेथड है, कुछ डिफरेंट नहीं है जी। ठीक है सर। चले सर लेकिन अगर ये 2 3 4 दिन सारे लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे ना सर, तो जो काफी सारे लोगों की कंफ्यूजन है ना सर, वो दूर हो जाएंगी सर। ठीक है, देखिए आप लोग ऐसा करना है, सर कल अगर मैं मैं, कहना चाह रही थी कि जैसे गर्ल्स का ग्रुप का डेली अभी डिस्कशन हो रहा है, वैसे बॉयज के ये ग्रुप का भी डेली डिस्कशन होना चाहिए चले जो मैं ना बॉयज में बेसिकली हो। यही बात करने लगा था कि हमारी जो फीमेल्स ग्रुप है ना, वो बेसिकली कोई मेंटोरशिप नहीं है, वो एक फ्री ग्रुप है, दीपाली भी उसमें है तो इसको पता है। वो डेली उन लोगों ने अपना एक शेड्यूल बनाया है, वो हार्डली कोई 20 से 25 गर्ल्स हैं, जिसमें से 5 से 7 क्या करती हैं, सुबह 9 बजे और शाम 9 बजे एक एक लिंक ड्रॉप करती है, सारे लोग ज्वाइन करते हैं, वो डिस्कशन करते हैं, जिससे उनके कॉन्सेप्ट डेली बेसिस पे रिफाइन हो रहे हैं, और माशाल्लाह उनकी जो इम्प्रूवमेंट लेवल है एज कम्पेयर टू मेन बॉयज काफी अच्छा जा रहा है, क्योंकि वो स्ट्रगल इस अंदाज से कर रही है। आपका ये जो ग्रुप है, इसमें आप लोग भी ये काम कर सकते हैं, ग्रुप क्योंकि है आप। वैसे आप लोग काफी होशियार है और मुझे ऐसा बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये फीमेल ग्रुप में कोई ना कोई लाइक मुझे समझा के दे देता है, बट यहाँ पे ज्यादा करके डिस्कशंस ही नहीं हो रहे। आप लोग अपने अपने में पर्सनली करके खुद बिल्डअप हो रहे, पर दूसरों को बिल्डअप नहीं होने दे रहे। अगर हम टुगेदर साथ में करते होंगे तो सबके डिस्कशंस क्लियर हो गए और आपका नॉलेज भी बढ़ते जाएगा अगर आप डिस्कशंस कर रहे होंगे तो। जी, उसमें जिस तरह अभी मुझे वैसे पर्सनली ये था कि शाहिद माशाल्लाह इसकी अच्छी कमांड है, लेकिन यहाँ आके वो कंफ्यूज है, हसनुल हक साहब का कॉन्सेप्ट अच्छा हो सकता है बाकी लोगों का, लेकिन जब आप डिस्कशन करेंगे तो आप लोग जल्दी सीखेंगे। ग्रुप ओपन होगा, किसी भी टाइम आप लिंक ड्रॉप करें, मैं भी यहाँ अवेलेबल होता हूँ, और ये दीपाली को भी पता है कि वो लड़कियां जब सेशन करती हैं तो मैं चलते फिरते लिंक देखता हूँ, मैं ज्वाइन करता हूँ, 2 4 क्वेश्चन के आंसर देता हूँ, लीव कर देता हूँ, जितना मेरे पास स्पेयर टाइम होता है मैं उसमें ज्वाइन कर लेता हूँ। आप लोगों के लिए तो चले, अभी मैंने टाइम भी मैनेज करना है, और इंशाल्लाह करेंगे भी कल। अगर आप लोग, जो जो बंदा फ्री हो, आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करें ग्रुप में, जो 3 से 4 बंदे हो सकते हैं वो आपस में उसी टाइम सेशन कर लिया करें, जो फ्री हो वो उसको ज्वाइन कर लेगा, बाकी रेगुलर क्लास डेली 7 8 बजे हुआ करेगी इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है। चलिए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है, अभी मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। देखें, जब मार्केट बुलिश होती है फॉर एग्जाम्पल, या किसी ट्रेंड में है मार्केट, अब ये मार्केट ट्रेंड कर रही है, ट्रेंड करते करते जब मार्केट
जो सबसे पहली इंड्यूसमेंट होती है उस टाइम फ्रेम की, फॉर एग्जाम्पल ये H4 का ट्रेंड है और ये H4 की इंड्यूसमेंट। अब जब इसके नीचे मार्केट आती आती है और इसके नीचे क्लोज कर देती है, इस इंड्यूसमेंट के नीचे मार्केट क्या करती है, क्लोज कर देती है, कैंडल बॉडी क्लोज। जी सर, और जब कैंडल बॉडी क्लोज हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम की हम फिर स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं काउंटर ट्रेंड। कुछ इस तरह। तो अभी आप देखें, अगर हमने अभी क्या किया है, अब इसमें फ्रेश करूं तो आप ये देखें, पहले हमने H4 का ट्रेंड फाइंड किया, H4 का ये हाई था, ठीक है, H4 के हाई के नीचे मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट के नीचे कैंडल बॉडी क्लोज की है, ठीक है। खैर ये तो दूसरा, H4 का जो मार्केट ने हाई लगाया वो ऊपर है, ये वाला, ये देखें, ये मार्केट ने रिसेंट हाई लगाया और रिसेंट हाई के बाद जो भी मार्केट की सबसे पहली इंड्यूसमेंट थी उसके नीचे मार्केट ने कैंडल बॉडी क्लोज की, यहाँ नहीं तो यहाँ आपको क्लियर इंडिकेशन मिल रही है ये कैंडल बॉडी क्लोज होगी इसके नीचे। अब जब नीचे मार्केट ने कैंडल बॉडी क्लोज कर दी है और मार्केट ने इस लो को भी ब्रेक कर दिया इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, जब ये हो गया ब्रेक तो आपने सिंपली क्या करना है, लो टाइम फ्रेम जो भी आपका है, M15, M5, व्हाटएवर, ठीक है, मैं वैसे M15 रिकमेंड करूंगा H4 के कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। फिर जब मार्केट उस लो के इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज करने के बाद उस लो को ब्रेक करती है तो हम लो टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे और वहां पर अपनी ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। ये इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज है मार्केट, ये मार्केट ने पहला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाए और इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कर दें। बाई चांस मैंने कैट JPY क्यों कहा था, क्योंकि अभी मार्केट यहाँ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। जी सर, अच्छा, इसको आसान भी किया जा सकता है, कैसे आसान करने का, बिल्कुल मेरे ख्याल हमने फेयर वैल्यू गैप वाली स्ट्रेटजी नहीं पढ़ी ना अभी, डेली के फेयर वैल्यू गैप से कैसे ट्रेंड फाइंड करते हैं नहीं सर, अभी नहीं लोग। पढ़ी। नहीं सर, चलें कोई इशू नहीं, वो भी स्टडी कर लेंगे। तो अभी मैं सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को इतना ही रखता हूँ जितना भी आपको बताया, कि जब मार्केट, ये देखें ये वाला कॉन्सेप्ट, कि मार्केट अगर बुलिश है और इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज करती है तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर उसकी सेल साइड की ट्रेड फाइंड करेंगे। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये लास्ट मेरे ख्याल आपने वेबिनार में देखा था, हम यहाँ सेल जोन मार करके बैठे हुए थे डेली का, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वही ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और देखिए मार्केट यहाँ से कैसे गिर रही है। अब इसमें सेल एंट्री कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ये मार्केट ने हाई बनाया और ये इसकी पहली इंड्यूसमेंट है, इसके नीचे क्लोज किया, ठीक है, ये मार्केट ने क्लोज कर दिया इंड्यूसमेंट के नीचे। अब जो 4 आवर का मेजर हाई लो है वो किधर है, वो ये पड़ा हुआ है, ये वाला, सॉरी ये वाला, ठीक है, ये कैसे है, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली इस पॉइंट से, ठीक है, इंड्यूसमेंट ली, नीचे कैंडल बॉडी क्लोज, ऊपर कैंडल बॉडी, उसके बाद मार्केट ऊपर ही जा रही है, ठीक है, तो ये लोअर हाई है। अब जब इंड्यूसमेंट के नीचे कैंडल बॉडी क्लोज होगी H4 पे तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली M15 पे शिफ्ट हो जाएंगे, M15 पे शिफ्ट हो गए, यहाँ इंड्यूसमेंट के नीचे कैंडल बॉडी क्लोज है, अब हम इसकी काउंटर ट्रेंड मैपिंग करेंगे, ठीक है। जब काउंटर ट्रेंड मैपिंग की, ये मार्केट ने लो बनाया और ये हाई, लास्ट लेक्चर में पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा या बताया नहीं बताया मैंने, अब ये काउंटर ट्रेंड की इंड्यूसमेंट है, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया और उसके बाद मार्केट ने अपने इसके नीचे क्लोज किया यहाँ पे, और ये कैंडल बॉडी क्लोज है, तो ये मेरा क्या बन गया, लोअर हाई, ठीक है, काउंटर ट्रेंड का, जी सर, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, हाई लो, ये हाई बनाया, फिर उसके बाद मार्केट ने लो, ये लो बनाया, इस लो की इंड्यूसमेंट किधर है, थोड़ा सा अगर जूम कर लें, अब मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ली, कैंडल बॉडी ऊपर क्लोज है, ठीक नीचे भी है, क्लोज ऊपर है। क्लोज होने के बाद मार्केट ने नीचे भी क्लोज किया, अब मेरा लोअर हाई कहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट दोबारा नीचे गिरी, ये लो बनाया, इस लो ने फिर यहाँ से इंड्यूसमेंट ली, ठीक है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने नीचे दोबारा क्लोज किया, अब मेरा लोअर हाई किधर आ गया, ये वाला, इस पॉइंट पे। अब इस चीज का क्या मतलब है,
सर इधर जब चेंज ऑफ करेक्टर होगा तो सर हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि हमारा H4 बुलिश है, लेकिन H4 बुलिश होने के साथ साथ ये देखें, M15 अभी आपको बता रहा है कि मैं बेरिश हूं, अभी जी H4 सर, का पुल बैक कंटिन्यू है, ठीक है, पॉइंट जी समझ सर, आया। ये होता है फायदा आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का। अब आपका ये लोअर हाई है, या तो मार्केट को अगर बुलिश जाना है यहीं से इसी पॉइंट से, तो मार्केट इस हाई लो को ब्रेक करे, ठीक जी सर, है। अगर बेरिश जाना है तो वो क्या करेगी, वो फिर यहां से इंड्यूसमेंट लेगी, जी और इस नीचे ऑर्डर क्लोजिंग ब्लॉक से दे वो दी। सेल जा सकती है, ठीक है। तो ये फायदा होता है आपको स्ट्रक्चर मैपिंग का। फिर कितना सेल जा सकती है, M15 पे अगर इसने यहाँ सेल जाना है, तो फिर आप 4R पे शिफ्ट हो जाएं, और 4R का जो भी लॉजिकल आपका बाय जोन है वो अगर आप देखें तो ये वाला ऑर्डर फ्लो बनता है यहाँ से, क्योंकि ये वो लास्ट सेल मूव है जो मार्केट ने अभी 4 बाय की है, और देखें अभी तक ये अनमिटिगेटेड है जोन सारा। सर ये IUF हम मार करेंगे सर, ठीक ये सारा IUF है, ये सारा अनमिटिगेटेड IUF, हो गया सर। जी ठीक है। तो ये पॉइंट समझ आया आपको। सर, सर यूरोयूएसडी में मेरा पॉइंट तो सर, मैंने जो मार्किंग की भी थी सर, अब H4 के हिसाब से तो आप कह रहे बोले, लेकिन सर मैंने तो D1 के हिसाब से सर उन्होंने वो चोच किया हुआ है, इंड्यूसमेंट भी लिए, लेकिन अभी इसने BOS नहीं किया, और N15 में भी सर वो भी तो मतलब बेयरिश है, वो तो अब भी दिखा रहे, लेकिन वो D1 का मैं देख सर वो तो वहां पे बुलिश ही है, सॉरी जी बुलिश है ना, लेकिन वो बुलिश कब दोबारा रिज्यूम होगा, चले सर बेयरिश है, क्योंकि सर उन्होंने चौक किया हुआ है लेकिन वो अभी BOS नहीं किया। डेली पे चले जो भी है ना। अब आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का पता चल गया कि आपको क्या फायदा होता है। अब अगर इसको मैं रिमूव करूं, आप कह रहे हैं 1 डे पे, 1 डे पे, हाँ जी ये चौक है मार्केट का, ठीक है, इस पॉइंट पे इधर ही है ना, हाँ जी इधर ही है डेली जी का जी बिल्कुल चौक। सर, अब ये डेली का चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, अब डेली का चेंज ऑफ करेक्टर है। अब अगर इस लॉजिक को समझें, जब चेंज ऑफ करेक्टर होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रीमियम और डिस्काउंट जोन ओके फाइंड करते हैं। ये प्रीमियम और डिस्काउंट जोन आ गए, डिस्काउंट जोन में अब हमने फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। ये इतना प्यारा और अनमिटिगेटेड हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया। क्यों ये ऑर्डर ब्लॉक सबसे ज्यादा वैलिड है, क्योंकि इस कैंडल ने लिक्विड ली है, उसके बाद इस कैंडल ने इटसेल्फ प्रीवियस हाई को स्वीप किया हुआ है, जिसे हम कहते हैं लेवल क्वालिफिकेशन। लेवल क्वालिफिकेशन का मेरा ख्याल बिल्कुल सबने सर, लेक्चर देखा होगा, तो ये हाँ जी जी क्वालिफाइड सर, लेवल था, मार्केट यहाँ आई, इसमें ठीक टैप है किया। अब डेली आपका बेरिश है और M15 भी बेरिश हो चुका है, बिल्कुल सर, हम्म, M15 बेरिश हो चुका है, और अगर आप देखें तो आपका 1R भी बेरिश हो चुका है। बिल्कुल सर, 1 आवर में वो स्वीप बेस्ड चोट भी बन रहा है सेल के लिए। स्वीप बेस चौक भी बन रहा है, ये स्वीप बेस चेंज ऑफ करेक्टर है इसका, और ये आपका दूसरा चेंज ऑफ करेक्टर H1 का, ठीक है। यहां से मार्केट इंड्यूसमेंट बिल्कुल नीचे सर, भी क्लोज, ऊपर भी। अब देखें M15 भी बेरिश, H1 भी बेरिश, डेली भी बेरिश, H4 बेरिश नहीं है, 3 टाइम फ्रेम आपको बेरिश बता रहे हैं, तो अब हम कैसे ट्रेड लेंगे। हाँ तो बेयर्स में सर कोई POI देख के, जी, अब बेरिश में क्या हो सकता है, मार्केट अब ये क्या कर रही है, लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, ठीक है, ये मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है। हो सकता है मार्केट किसी भी टाइम पे यहाँ आए, इस POI जोन में टैप करे, ठीक है, ये वाला जो फेयर ऑर्डर ब्लॉक है, तो फिर यहां से हम इसको सेल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है सर, अच्छा, जो M15 का चेंज ऑफ करेक्टर होता है ना, वो ज्यादा देर के लिए नहीं रहता, लेकिन जितना छोटा टाइम फ्रेम है उतना जल्दी उसका चेंज ऑफ करेक्टर होगा। बिल्कुल लेकिन सर अब यही ये मैं पूछने वाला था कि अगर 15 में, जी दूसरा 1 डे आपका बेरिश है, उसका मैंने आपको बता दिया ऑर्डर ब्लॉक। दूसरा अगर 1 वीक पे जाएं, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा उसकी डोमिनेंसी होती है, उतना ज्यादा वो डोमिनेट करता है। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ हमारी जो अनमिटिगेटेड वीक थी, जिसे हम हिडन ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, तो मार्केट तकरीबन उससे रिजेक्ट हुई है। देख लें पूरी स्विंग में ये बहुत अनमिटिगेटेड वीक थी, और इसने दूसरा रूल जो फुलफिल किया था वो साथ वाली कैंडल की लिक्विड स्वीप की हुई है। इसको हम क्या कहते ठीक है हैं, ऐसी बिल्कुल वीक को हिडन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब जितने हाई टाइम फ्रेम का जो हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, वो लो टाइम फ्रेम का क्या होता है,
लो टाइम फ्रेम का वो वैलिड ऑटो ब्लॉक होता है, यानी विजिबल होता है, ठीक है ना। तो ये आपको थ्योरी समझ आ गई कि हिडन ऑटो ब्लॉक क्यों कहते हैं, बेसिकली लो टाइम फ्रेम का एक वैलिड ऑटो ब्लॉक होता है। तो बिल्कुल ये सर, समझ मल्टी टाइम गया। फ्रेम का फायदा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोगों के जो खदशात हैं या जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हुई होंगी। बाकी चलें आप लोग जो क्वेश्चन है वो कर लें। हेलो सर गोल्ड का थोड़ा एनालिसिस कर देंगे। जी, गोल्ड का बुलिश था, हमने लास्ट टाइम शेयर किया था, लेकिन अभी देख लेते हैं कि वो क्या कर रहा है। सॉरी, हाँ जी, ये गोल्ड है, गोल्ड डेली की, ये डेली का हाई है इसका, और ये इसका डेली का लो है ये वाला। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ये अपनी रेंज बनाई हुई है, क्योंकि मार्केट ने डेली में यहां से इंड्यूसमेंट लिया है, इस पॉइंट से ये इंड्यूसमेंट है। सॉरी, ये इंड्यूसमेंट है, नीचे कैंडल बॉडी क्लोज, ऊपर भी क्लोज, तो ये मार्केट का हायर लो है। अब इस लेवल के ऊपर ऊपर हम बुलिश हैं डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, इस टाइम फ्रेम पे हम बुलिश हैं डेली के ऊपर ऊपर। H4 पे हम जाते हैं, तो H4 का लेवल कहाँ है हमारा, वो हमने फाइंड करना है। मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, अच्छा H4 का जो लोअर हाई है वो आप फाइंड करें किस पॉइंट पे। हाँ जी, वो भी मेरा ख्याल है यही वाला बनता है, यही है सेम सर, यही H4 का। इसके बाद आप चल जाएं है। 1 आवर पे। अब 1 आवर पे अगर आप देखें तो 1 आवर पे मार्केट ने क्या किया, ये इंड्यूसमेंट थी इसकी, इंड्यूसमेंट के नीचे कैंडल बॉडी क्लोज, इंड्यूसमेंट के ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को आके ब्रेक कर दिया। ये क्या हो गया, H1 का चेंज ऑफ यही सर, करेक्टर, ठीक है। अब अगर ये H1 का चेंज ऑफ करेक्टर है तो इसका क्या मतलब है, डेली बुलिश है अभी भी। अब H1 के चेंज ऑफ करेक्टर का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मार्केट डेली के किसी लॉजिकल बाय जोन तक जाना चाह रही है। हो सकता है मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर के बाद ऐसे ऊपर जाना शुरू हो जाए, ठीक है, ऐसे किसी लेवल तक जाए, फिर गिरे और यहां से किसी लॉजिकल जोन में आए और फिर बाय मोमेंटम शुरू हो जाए। लेकिन अगर यहां से आती आती यहां नीचे आ गई इस लेवल पे, फिर हम यहां फर्दर सेलिंग का सोचेंगे, ठीक है। अभी हमारा डेली बुलिश है, H1 से हम इंडिकेशन मिल सकती है कि हम कहां इसको फर्दर सेल के लिए फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सर अब ये जब ऊपर जाएगी तो फिर हम मार्किंग करेंगे सर। अभी देखें मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है। अब अगर आप डेली के परस्पेक्टिव से देखें तो मार्केट क्या कर रही है, सॉरी, अगर आप डेली में देखें तो मार्केट डेली के फेयर वैल्यू गैप में आई है, जो उसने रिसेंट छोड़ा हुआ इसके अंदर है। अब अगर ये डेली का फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट हो जाता है, यानी ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट को इसके ऊपर ऊपर बुलिश जाना चाहिए। वैसे कैंडल बॉडी इसके नीचे क्लोज ना करे, ठीक है, इसके ऊपर ऊपर, तो हम इसको बाय कर सकते। सर यहाँ तो पूरा इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। ये पूरा इम्बैलेंस है ना, ये वाला, ये इम्बैलेंस जोन ही है। सर सर ये सर जैसे ऑर्डर भी बुक, है, ये भी है, ये भी है, लेकिन सबसे पहला तो ये वाला है ना, हम तो सबसे पहले वाले को भी कंसिडर करेंगे। ये ब्रेक हो गया तो उसके बाद ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, ठीक ठीक है सर। है, उसके सर बाद जैसे ये ऑर्डर, डेली का एक ऑर्डर फ्लो है तकरीबन। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आई हैव अ क्वेश्चन जी हियर। जी विल वी कंसीडर द रेड कैंडल एज इंड्यूसमेंट सॉरी, वी कंसीडर दिस रेड कैंडल एज आवर इंड्यूसमेंट सर नॉट हियर? थैंक यू, देर इज नॉइस, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन सर। अच्छा, इंड्यूसमेंट ये वाला, सो अच्छा, यू आर ट्राइंग टू से दैट राइट दिस इज इंड्यूसमेंट और नॉट। इफ यू चेक ऑन डेली सर, टाइम फ्रेम, दिस इज नॉट अवर इंड्यूसमेंट लेवल नो मोर, बिकॉज दिस इज रेफरेंस पॉइंट एंड मार्केट ऑलरेडी कवर्ड दिस लेवल। दिस कैन बी इंड्यूसमेंट लेवल मे बी ऑन H4 एंड H1।
यस ऑन एच फोर दिस इज आवर इंड्यूस्ड ब्लड ओके ओके सर सो एनी अदर क्वेश्चन सर जैसे ऑर्डर ब्लॉक में सर आपने कहा है कि 50% बॉडी 50% यानी कि 50% जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके अंदर हमारी बॉडी क्लोज अगर हो जाए तो वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होता तो सर जैसे इम्बैलेंस है इसमें अगर फिफ्टी बॉडी क्लोज परसेंट हो से जाए तो जी 50% से नीचे क्लोज हो जाए तो बैलेंस इम्बैलेंस वैलिड नहीं होता। ये नहीं, इसका मतलब ये होता है कि हमें उस इम्बैलेंस को ट्रेड नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए रिस्की हो जाता है। ठीक है, उसका फिर ये होता है कि मार्केट ऐसा भी कर सकती है कि इसके नीचे क्लोज होने के बाद यहाँ वीक हमारे यहाँ से नीचे सेलिंग शुरू कर दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम वहाँ अपनी ट्रेड को फॉर्मुलेट फिर इजिली नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट का अंदर दोबारा एक छोटा स्ट्रक्चर बनाने का। सर उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे लो टाइम फ्रेम है, लेकिन वैसे भी जो मंडे होता है ना मंडे, ये अच्छा ट्रेडिंग दिन नहीं होता। वैसे भी हिस्ट्री भी है, या तो ये बहुत लो वॉल्यूम होता है या ये इंतहाई मैनिपुलेटिव होता ठीक है है। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आज तो शायद बैठ था, कल हम सरप्राइज किसी अगले बंदे को इंशाल्लाह टैग करेंगे, उसका मतलब कि पहले टेस्ट लेंगे, फिर मैं आपको अगली क्लास दूंगा जो कि एंटी टेक्निक पे होगी। वो लेक्चर होगा बेसिकली आपका MSS पे, ठीक है ना, MSS। और उससे पहले जो मैं आपको कल बताऊंगा वो होगा कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है। मतलब ऑर्डर ब्लॉक तो वैलिड हम निकाल लेते हैं, फिर हमारे पास 3 से 4 होते हैं, उनमें से कौन सा ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, उसको हम इंशाल्लाह कल लर्न करेंगे। सर, कोई ऐसा बता दे हमें कि जिस पे हम सर वो कल प्रैक्टिस करें तो चलिए हमें मैं हमारी आपको वो लेक्चर में ड्रॉप तो कर देता हूँ, ग्रुप में लेक्चर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा कॉपी करके ग्रुप में ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू चलें सर। सब लोग। सॉरी जी इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? ठीक जी रिकॉर्डिंग ये अभी मैं इंशाल्लाह कन्वर्ट करता हूँ, 2 से 3 घंटे में आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, है सर, चलें, थैंक यू, अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। सर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर।